गायन एवं आरोग्यं सुख संपदा शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति नमस्तुते महोदया श्रीमती गोमती साय श्रीमती प्रियंबदा सिंह देव मान्य महोदया श्रीमती रायमुनि भगत मान्य महोदया श्रीमती शांति भगत मान्य श्री राधेश्याम राम यहाँ पर उपस्थित जसपुर जिला के सभी जिला को आमंत्रित करता हूँ कि मान्य श्री चिंतामणि महाराज जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं श्री प्रदीप साहू एडीएम जसपुर को भी आमंत्रित करता हूँ कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय श्री रोहित व्यास कलेक्टर जिला जसपुर को आमंत्रित करता हूँ कि माननीय महोदया श्रीमती गोमती साई जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं श्री रोहित व्यास कलेक्टर जिला जसपुर को भी आमंत्रित करता हूँ माननीय महोदया श्रीमती रायमुनि भगत जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं श्री प्रदीप साहू एडीएम जसपुर को आमंत्रित करता हूँ कि श्री कृष्ण कुमार राय जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। प्रदीप साहू एडीएम आमंत्रित करता हूँ कि माननीय श्री राम प्रताप सिंह जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं प्रदीप साहू को आमंत्रित करता हूँ कि माननीय महोदया श्रीमती प्रियंबदा सिंह जुदेज का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूर्ण कर चुका है। मैं इस गौरवपूर्ण दिवस के दिन जशपुर आए मुख्य अतिथि सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय जी, विधायक श्रीमती रायमुनि भगत जी, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती प्रियंबदा सिंह जुदेव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष श्री कृष्ण राय जी, श्री राम प्रताप जी, श्री सुनील जी, मंचा सिंह, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और यहाँ पर आए सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। हमारा छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से परिपूर्ण पर्यटन के दृष्टिकोण से समृद्ध है। यहाँ की आदिवासी संस्कृति छत्तीसगढ़ की पहचान है। मैं आज आप सभी के सामने जशपुर जिले के विकास यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा करना चाहता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहब के नेतृत्व में यह जिला जशपुर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा जशपुर प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहाँ कैलाश गुफा, बुढ़िया रानी, मयाली नेचर कैंप, मधेश्वर महादेव शिवलिंग जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है जैसे स्थल हैं। हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत मयाली नेचर कैंप को 10 करोड़ की लागत से विकसित करने की योजना को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। जशपुर जिला राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया मिशन में 100% पूर्णता प्राप्त कर पूरे देश में पहला ऐसा जिला बना है। जिला प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत राज्य में प्रथम जिला है जहां 100% ग्राम पंचायतों में जाकर 20,000 से अधिक विश्वकर्माओं को पंजीयन कराकर उनका प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ कराया जा चुका है। संकल्प शिक्षण संस्थान एवं नव संकल्प शिक्षण संस्थान में युवाओं की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है जिससे जिले के युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं को पीएम जन आवास
जनधन खाता, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि आदि योजना, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। इससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। मैं पुनः यहाँ उपस्थित अतिथियों और जशपुर वासियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और मंचा सिंह, हमारे समस्त अतिथि, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथी, जशपुर जिले के हमारे सभी निवासियों को सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम सभी यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जिला जशपुर के सभी गणमान्य नागरिकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मंच में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि सांसद सम्माननीय चिंतामणि महाराज जी, पत्थलगांव विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सम्माननीय श्रीमती गोमती साय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय श्रीमती शांति भगत जी, सम्माननीय पूर्व हमारे अगुआ मुखिया राम प्रताप भैया जी, सम्माननीय कृष्ण कुमार राय जी, सम्माननीय भाभी जी, जशपुर कलेक्टर सम्माननीय रोहित व्यास जी, हमारा छत्तीसगढ़ और जशपुर का स्थिति आज से 20 साल पहले थी आप सबसे छुपा नहीं है। आज से 20 साल पहले जशपुर में भोजन के लिए तरसते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में भोजन की चिंता समाप्त हुई। उसी प्रकार लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव-गांव में विद्युतीकरण, जल जीवन मिशन और अभी अभी नया योजना चालू हुआ है पीएम जनमन योजना, जितने भी पहुंच विहीन एरिया के लिए जशपुर विधानसभा में 300 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई है। आप सबको इस विकास कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। आने वाला समय में जशपुर एक नया इतिहास रचेगा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का जो मेहनत है, यहाँ के लोगों की जो मेहनत है, वो रंग लाएगी। आने वाला समय में सब खुशहाल होंगे, ये आशा और विश्वास के साथ, आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।